आदरणीय शामली जिले के सभी बुजुर्ग क्षेत्रवासी और सम्मानित वंश सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ पर हमारे स्वर्गीय नेताजी की बातों को याद करने, उनके जीवन से सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए ये बहुत ही गहरी क्षति है जिस तरह उनका स्वर्गवास हुआ, तो मेरे परिवार के लिए खासकर मेरे जो वालिद साहब के पिताजी थे उनका हाथ पकड़कर उनको जो राजनीतिक मजबूती थी वो स्वर्गीय नेताजी ने दी थी, तो इसलिए ये तो एक पारिवारिक क्षति जैसे महसूस होती है। लेकिन सभी को ऊपर वाले के रहा जाता है, मेरे पिताजी जा चुके, नेताजी चले गए, हम सब यहाँ पर रह रहा, तो हमारा बस यही फर्ज बनता है कि हम उनकी बातों को याद रखें, उन्होंने जो सीख दी है उनको याद रखें। वो अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को वास्तविक अर्थ देने का काम किया। हमारे संविधान में ये प्रावधान मौजूद जरूर है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग इससे भटकते हैं। इनको वास्तविक अर्थ नेताजी ने देने का काम किया, पिछड़े वर्ग की राजनीति को देश के स्तर पर लाने का काम नेताजी ने किया, मंडल की राजनीति को उन्होंने विषय का मुद्दा बनाने रखा, और सबसे अहम बात जो है जो भाजपा ने जो नफरत फैलाने की कोशिश करी थी एक बार 2002 में और अभी जब तक नेताजी सक्रिय राजनीति में थे तब तक उन्होंने इस नफरत को यूपी में फैलने नहीं दिया। ये सब उनके महान कार्य थे और आज इसीलिए हम उन्हें याद करते हैं। उनके जो पाठ पढ़ाए गए हैं हम सब यही हम पार्टी के नाते यही फैसला लेने का काम करेंगे, यही हमारा निर्णय होगा कि हम उनके इन्हीं कामों को आगे बढ़ाने का काम करें और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर वालों ने शांति दे उनकी आत्मा को, और हमारे जो अध्यक्ष जी है अखिलेश यादव जी उनको अपने पिताजी के पश्चिम उम्र और उनके कार्य को और आगे बढ़ाने का अवसर मिले। और हम सब जो समाजवादी है हम सबको ये निर्णय लेना चाहिए कि आज नेताजी हमारे देश में नहीं है, लेकिन उनका जो काम